बयार बह रही है आज फिर। 500 करोड़ का औद्योगिक निवेश हुआ है। डीएस ग्रुप प्रदेश में निवेश करेगा 12:30 बजे। एमओयू पर साइन होने की बात कही जा रही थी, हालांकि अब तक 1 बज रहे हैं, अब तक एमओयू पर साइन हो गए होंगे। 500 करोड़ के औद्योगिक निवेश की बात सामने आ रही है, प्रदेश में 500 करोड़ का औद्योगिक निवेश होगा और निवेश करेगा डीएस ग्रुप। इसके पहले भी मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश में 600 करोड़ का निवेश हो चुका है, वो निवेश किया था कोक ने। देखिए ब्रॉडली हमने जो भी जितने भी एमओयू साइन कर रहे हैं, हम मैक्सिमम उसको टाइम फ्रेम 3 हफ्तों का कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी देखिए प्रोडक्शन लाइन आप आते हैं, हालांकि क्योंकि हमारा ये जो नया एरिया है, हम भी अपनी डेवलपमेंट उसी बेस पर डेवलप कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ की इनमें से कोई भी यहाँ 18 से जब कलेक्शन करने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर मान लीजिए लोकल वहाँ देना चाहता है क्या वो आप लेंगे? ये तो कॉन्ट्रैक्ट कमी के होगा। इवन मैं आपको डिस्पेंसरी वाला बताऊँ, जो अभी आपने दारू की बात कही, दैट इज अ वीट बेस्ड प्रोडक्ट, इट इज नॉट ए मोलेसिस बेस्ड सिस्टम। दोनों हमारे पास जो प्रोडक्ट आए हैं वो वीट बेस्ड है, और वीट के लिए उन्होंने ऑलरेडी गंदी में सफाई करना शुरू कर दिया कि हमारी जो कटमा सुधागर की बेल्ट है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वीट वी ग्रो, बट अभी दे वांट ए स्पेसिफिक वैरायटी सबसे पहले तो मैं डीएसएल ग्रुप के हमारे जो मित्र हैं राजेश गुप्ता जी और अतुल जैन जी, आपका बहुत स्वागत है। खुशी की बात यह है कि आप पहले से आपकी उपस्थिति उत्तराखंड में है, आपका मधु महारानी होटल बहुत जो है वो चल रहा है, और जब मैं आज से कई 4-5 साल पहले मैं केस में बहस करने गया था तब तक तो मुझे आशा है कि आप हम लोग ठहरेंगे तो रिबेट मिलेगा। मेरे आपसे दिल्ली में वास्तविक बातें हुई और हर्ष की बात है कि आपने जो हमारा सुरक्षित फेज टू है उसमें आपने जो है वो आज अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है। आपको सरकार की तरफ से हम लोगों ने काफी गति के साथ मेरा से 1.5 महीने के अंदर सारे नेगोशिएशन कंप्लीट किए गए और सब सिंगल विंडो सिस्टम जो कि हमने प्रथा शुरू करी है कि सब यहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय से सारी जो है निर्णय हो जाते हैं, सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है। 400 करोड़ रुपए की ये शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि इससे ज्यादा ये इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि डेयरी का जो आज सेक्टर है उसमें बहुत स्कोप है। और ये भी अच्छी बात है कि आप इंटरनेशनल जो है उसमें एक्सपर्टीज मिलेंगे और स्पाइस में आएंगे, तो पूरा सरकार को मेरा को समर्थन है आपके आने से, जो आसपास के क्षेत्र में भी विकास होगा। और मुझे आप पता है कि ग्रेजुअली 1000 आदमी तक उसमें जो है लग जाएंगे, जो जिनके एक्सपेंशन पूरे होंगे, तो आपका बहुत स्वागत है। और उद्योग से ही विकास है और उद्योग से ही व्यापार है, यहाँ के चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे बेरोजगारी, उसका जो है उद्योग है। और हमारी सरकार की बहुत स्पष्ट नीति है, कोको कोला पियो और दूध पियो, और आने वाले समय में और भी उद्योग जो आएंगे तो हम तो जो आता है वो तो अपने मर्जी का उद्योग लाता है, देखिए कोई भी नेगेटिव लिस्ट का उद्योग या ऐसा उद्योग जिसमें पर्यावरण को कोई क्षति होगी उसका, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा उसको इंकरेज नहीं करेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर, और जितने जल्दी आप शुरू कर देंगे अपनी एक्टिविटी उसका ही भी लाभ होगा, और मुझे पूरी शुभकामना। चेक में लेता हूँ अरे भाई क्या भाई यार, भाई तुम जाओगे तो हम क्या करेंगे? हेलो साथ ही
बहुत इम्पोर्टेंट बात और है अगर निकाल दो सर क्या सरकार के साथ साथ आप लोगों का भी थोड़ा सहयोग चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड में डीएस ग्रुप 400 करोड़ का निवेश करेगा। इसके पहले भी कोक प्रदेश में 600 करोड़ के निवेश की बात कर चुका है और अब जिस तरीके से ये पूरी बात सामने आ रही है और अब जो पत्रकारों के सामने उससे साफ हो जाता है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार ये बात कह रहे थे कि उत्तराखंड को विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे, विकास की ओर आगे ले जाएंगे, उनके इस प्रयासों से ये साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, विकास उत्तराखंड में करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि पहले कोक ग्रुप ने प्रदेश में 600 करोड़ का निवेश किया और अब डीएस ग्रुप प्रदेश में 400 करोड़ का निवेश करेगा, जिसको लेकर एमओयू पर साइन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री का यह भी साफ कहना है कि आने वाले समय में कई और बड़े ग्रुप हैं, कई और बड़ी कंपनियां हैं जो आने वाले समय में प्रदेश में निवेश करेंगी, प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ प्रदेश का विकास होगा। अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक प्रदेश में 400 करोड़ का निवेश करेगा डीएस ग्रुप। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में निवेश की बयार बह रही है, 400 करोड़ का निवेश उत्तराखंड में डीएस ग्रुप करेगा और इसके पहले कोक प्रदेश में 600 करोड़ का निवेश कर चुका है। डीएस ग्रुप के साथ इस समझौते पर, इस करार पर को लेकर, इस करार को लेकर एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं, हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। तो कुल 400 करोड़ का निवेश, औद्योगिक निवेश प्रदेश में डीएस ग्रुप करेगा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने डीएस ग्रुप को और साथ ही साथ प्रदेशवासियों को भी इसकी बधाई दी है कि आने वाले समय में इस निवेश का लाभ प्रदेश की जनता को मिल सकेगा, हर एक वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। जितना प्रदेश में निवेश होगा उतना प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश की जनता को उतनी ही सुविधाएं मिल सकेंगी। सत्ता में आते ही कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने यह साफ कर दिया था कि सबसे पहला प्रयास होगा प्रदेश में निवेश को बढ़ाना। अगर प्रदेश में निवेश बढ़ता है तो प्रदेश का विकास जाहिर तौर पर होगा और अपनी उन्हीं बातों पर अमल करते हुए, बातों पर कायम रहते हुए मुख्यमंत्री ने ये कदम बढ़ाया है और उत्तराखंड में निवेश की बयार वही है, 400 करोड़ का निवेश अभी डीएस ग्रुप ने किया और इसके पहले कोका कोला प्रदेश में 600 करोड़ का निवेश कर चुका है। चार सौ करोड़ का औद्योगिक निवेश प्रदेश में डीएस ग्रुप करेगा, इसको लेकर एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इस बात की जानकारी मीडिया को भी दी आज और साथ ही साथ डीएस ग्रुप के जो ओनर हैं वो भी वहां पर उस वक्त मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने डीएस ग्रुप को तो इसकी बधाई दी ही है, साथ ही साथ प्रदेशवासियों को भी इसकी बधाई दी है। और हमारे रेजिडेंट एडिटर अविकल थपलियाल जी मौजूद है फोनलाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। अविकल जी, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में निवेश की बयार बह रही है, प्रदेश विकास की ओर एक कदम और आगे अग्रसर हो रहा है, उत्तराखंड के आर्थिक सामाजिक विकास की दृष्टि से ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए कि डीएस ग्रुप ने यहाँ पे करोड़ों रुपए निवेश की जो इच्छा भी जताई और उस पर एक कदम आगे भी बढ़ा दिया। आज उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री से बात भी की है और फूड प्रोसेसिंग और जो अन्य क्षेत्रों में डीएस ग्रुप का जो भी निवेश होगा या जो भी काम होंगे वो एक उत्तराखंड के विकास में, राज्य के विकास में, यहाँ के रोजगार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जाएगा। जी अविकल जी, 2 से 3 दिन के भीतर ये दूसरा निवेश है प्रदेश में। इसके पहले कोक ने 600 करोड़ का निवेश किया और अब डीएस ग्रुप 400 करोड़ का निवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री का यह साफ कहना है कि आने वाले समय में इसका लाभ जनता को मिलेगा और इसके अलावा और ज्यादा निवेश प्रदेश में हो सकता है। देखिए, मौजूदा समय में जो उत्तराखंड में औद्योगिक संभावना है, जो निवेश की संभावना है, ये काफी छीन लग रही थी लंबे समय से और जब से औद्योगिक पैकेज हमारा ठप हुआ है उसके बाद से एक रफ्तार पूरी बुरी तरीके से थमती गई थी उत्तराखंड में निवेश की। और इस बीच मुख्यमंत्री बहुगुणा के प्रयासों से, निजी प्रयासों से, अपने संबंधों से जो एक बार ये निवेश का रास्ता जो खुल रहा है, हम देख रहे हैं कि कोका कोला ने भी 600 करोड़ का किया, उससे पहले भी एक बड़ा निवेश हुआ था और आज जो डीएस ग्रुप का है
तो एक जो सीरीज बनी है, जो एक चेन बनी है उत्तराखंड के विकास के लिए, निवेश के लिए, मुझे लगता है कि इसकी गति आगे आने वाले दिनों में और भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। और यहाँ जो रोजगार का मुद्दा है, जो निवेश का मुद्दा है, जो आर्थिक हमारी उन्नति का मुद्दा है या विकास का जो मामला है, ये इसको एक नए पंख लगेंगे, ऐसी उम्मीद हमें लगती है आने वाले दिनों में। अविकल जी, इस निवेश से केवल एक किसी एक खास वर्ग को फायदा नहीं मिलने वाला है कि अगर हम बात करें कि युवा वर्ग को इसका फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है, हर एक वर्ग को इसका आने वाले समय में फायदा मिलता दिख रहा है। देखिए, जब भी कोई ऐसा निवेश होता, बड़ा निवेश होता है, तो इसमें चौतरफा विकास होता है, चौमुखी विकास होता है। ये नहीं है कि युवा को ही रोजगार मिलेगा या महिलाओं को ही मिलेगा या किसी और को मिलेगा, पूरे वर्ग को मिलेगा। और यहाँ का जो सामाजिक जो ताना बाना है, जो ढांचा है जो उत्तराखंड का, ये बिल्कुल विविधता लिए हुए है। और निश्चित तौर पर ऐसे मौके पे जो यहाँ का पढ़ा लिखा वर्ग है या जो हमारे यहाँ एक पूर्व सैनिक वर्ग है जो जल्दी से रिटायरमेंट में आ जाता है, उनकी रोजगार की दिशा में भी खुलेगा। तो कई यहाँ पे ऐसे सेक्टर हैं कि जिनको ऐसे निवेश से सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद अविकल जी हमसे जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौट रहे हैं।